नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अपने मायके आई हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशंस चल रही है मेरी सिस्टर की शादी की। और आज हमारे यहाँ पे बना रहे हैं हम जामका, जो कि किन्नौरी फ्लावर है और जो कि टोपी में लगाते हैं जब भी कोई फेस्टिवल होता है या कुछ खुशी का माहौल होता है या फिर कोई फंक्शन होता है, कुछ भी होता है तो हम किन्नौरीज अपनी टोपी में जामका लगा के पहनते हैं। और शादी है, और शादी है ऑब्वियसली खुशी का माहौल है, होने वाला है जल्द ही। और तो हम तब जो भी हमारे गेस्ट आएंगे उनको हम टोपी में वो जामका एज अ गिफ्ट और वो उसको पहनेंगे और इसको पहन के जो भी हमारा फंक्शन होगा वो अटेंड करेंगे। हमारे किन्नौर कल्चर में टोपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और किन्नौरी कल्चर में टोपी के ऊपर जब फंक्शंस होते हैं तो जामका लगाया जाता है। तो आज यहाँ पे गैदरिंग है, हमारे पड़ोस में जितनी भी हमारी चाचियाँ हैं, आयो नाने, वो सभी आकर जामका बना रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये शादी से पहले हमारे किन्नौर में होता है कि पड़ोसी से आस पड़ोस गैदर होके, रिलेटिव्स गैदर होके जामका बनाते हैं, फूल मालाएं बनाते हैं। तो आज घर पे वही चल रहा है, तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं रूम पे जहाँ पे प्रिपरेशंस हो रही है, चलिए। यहाँ पे सभी मिलके जामका बना रहे हैं और ये हमारे चाचियाँ और नाने और आयो। हमारे बेटी की शादी है, इसके लिए फूल बना रहे हम लोग, जामका बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, इसको इसको बकरी खान बोलते हैं। अच्छा। इसको जामका बोलते हैं। अच्छा। टेके माँ बोलते हैं। हाँ। और ये बनता है जौ के घास से। अच्छा। हाँ, अपने हाथों से बनाते हैं हम लोग। हाँ जी। और ये घास का फूल होता है, उसको हम निकाल के हाथ से वो बांधते हैं, फिर हाँ। इसको रंग कलर करते हैं। अच्छा। तब जाके बनता है। हाँ। इतना मेहनत होता है इसमें, इतना। ये एक माला हमारा कम से कम यही एक ही बकरी खान जो होता है 25 रुपए का होता है। अच्छा। और ये जो धागा ये होता है टेकेमा, ये 10 रुपए का होता है। बाकी ये जो पत्तियां होती है ये मतलब 20-25 रुपए का एक मिलता है पत्ता। ये पत्तियाँ, ये जो पत्तियाँ वो कहाँ से लाते हैं, कैसे होता है? हम ये लाते हैं सिरमौर साइड से। अच्छा। हमारे इधर नहीं होता है। अच्छा। सिरमौर साइड से जंगलों में होता है। हाँ। वहाँ तो इसका वैल्यू नहीं है, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा वैल्यू है इसका। हाँ। क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक चलता है ना, खराब नहीं होता है। लंबे टाइम पर चलता है और खराब भी नहीं होता है। इसको सिर्फ सलाब वाले जगह पे रूम में नहीं रखना पड़ता है, बाकी बारिश बुरिश से बचाना पड़ता है। अच्छा। बाकी ये सालों से चलता है, सालों तक चलता रहता है अगर इसको ठीक से रखेंगे तो। अच्छा। हाँ। जो भी शुभ काम है वहाँ पे ये लगता है ना। हाँ, शुभ काम में भी लगता है ये ना। हाँ। शादियों में है, कहीं रिटायरमेंट में हुआ। हाँ। कहीं फंक्शन में हुआ। हाँ। मरना जीना सब मरने में भी जाते ही है। अच्छा। फिर सब जगह जाता है। अच्छा। वैसे इसको शुद्ध मानते हैं। अच्छा। और ये जो ये भी पेड़ों में उगता है, ये वाला? ये पेड़ों में नहीं होता, ये घास होता है। अच्छा। उसका घास का पत्तियां जैसा होता है उसे निकाल के। अच्छा। इसको बांधते हैं फिर इसको। अच्छा। कलर करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो सभी यहाँ पे जामका बना रहे हैं दीदी की मैरिज के लिए और ये टोपी पे लगाएंगे और और अपने गेस्टों को देंगे। हाँ। और यहाँ से जो शादी में बेटी के साथ जाएंगे उनकी उनको देंगे। अच्छा। अपने मेहमानों को, अपने नाते रिश्तेदारों को। अच्छा। इससे शोभा बढ़ेगी। अच्छा। शादी में थोड़ा कलरफुल हो जाएंगे। थोड़ा रौनक ज्यादा हो जाएगा, इससे पता चलता है कि शादी वाले आ रहे हैं। अच्छा। या बेटी की तरफ से आ रहे हैं, जो है सब उससे से पता चलेगा। और अभी मैं किचन में आई हूँ और शीतल और मैं यहाँ पे खाने की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, बाकी सब फूल मालाएं बना रहे हैं। और शीतल और मैंने 2-3 डिशेस बनाए हैं तो दिखाएंगे आपको लंच में क्या क्या बना है। तो मैंने सैलेड काटे हैं और शीतल ने रायता बनाया है। ये घर का अचार है, घर के बनाए मिर्च और लहसुन के घर के अचार बनाए हुए हैं। और इसमें दाल बनाई है ये घी के लिए। और यहाँ पे मैंने सब्जी बनाई है मिक्स वेज। और उसके बाद सर्व करेंगे सबको, जो भी हमारे गेस्ट आए हैं शादी की प्रिपरेशंस के लिए उनको सबको सर्व करेंगे।
ये जो है ये किनौरी टोपी है और ये मेरे हाथों में सामका है और इसको सेफ्टी पिन से इस तरह से डालते हैं, मैं आपको बता दूं, इसको इस तरह से डालते हैं और मैं दो डाल रही हूँ, ज़्यादा सुंदर लगेगा इसलिए, और इस तरह से डालते हैं फ्रंट में, ये थोड़ा इस तरीके से आता है और ये हमारा किनौरी टोपी चमका के साथ, और हम कोई भी फंक्शन होगा तो इसे पहन के अपना फंक्शन एंजॉय करते हैं। जैसे बाराती आएंगे तो हम बारातियों को फूल माला और ये चमका पहनाएंगे टोपियों में, और यहाँ से भी जो जाएंगे बाराती लड़की के साथ उन्हें भी हम ये चमका देंगे और फूल मालाएं देंगे। इस तरीके से हमारे किन्नौर में कोई भी फेस्टिवल्स होता है तो वहाँ ड्राई फ्रूट्स के माले और चमका का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग, बताइएगा।